नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत अभिनंदन हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म ज्ञानार्थ एकेडमी पर। खुशी की बात यह है कि आज सुबह सुबह और कल शाम को ट्विटर के ऊपर हमारे जो वर्तमान नव नियुक्त मुख्यमंत्री है, जो प्रतिनिधि है हमारे राजस्थान सरकार के, उनके द्वारा राजस्थान जनसंपर्क का जो ट्विटर हैंडल है उस पर युवाओं को सौगात दी गई। जो हमारा अभी लेटेस्ट बजट आया और उसमें जो 70,000 वैकेंसियों की बात की गई, उसी की शुरुआत करते हुए हमारी सरकार द्वारा पहली वैकेंसी जारी कर दी गई है, जो कि हमारे जो राजस्थान के युवा बेरोजगार है उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, बहुत बड़ा मौका कह सकते हैं और बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि अवसर उनके लिए प्राप्त हुआ है। इसी अवसर को देखते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे साथी श्री राम किशोर जी, जो 2018 के जूनियर असिस्टेंट, मतलब जो LDC 2018 की वैकेंसी थी उसमें चयनित है, हमारे साथ उपलब्ध है। हम इनको इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आप मान लीजिए आज से मन बना रहे हैं, जैसे कि आपने कल जूनियर अकाउंटेंट का पेपर बहुत सारे हमारे साथियों ने दिया था, इन्होंने भी दिया था, बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है और बहुत अच्छा स्तरीय पेपर आया था जिसमें कि ये पता चल रहा है कि सरकार द्वारा युवाओं को लेकर, पेपर आउट को लेकर, या हम कहें आगामी भर्तियों को लेकर जो रणनीति बनाई गई है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अब जो पिछली सरकार में जो गलतियां हुई थी सरकार के द्वारा, वो गलतियां अब वापस दोहराई नहीं जाएगी। और इसी को लेकर आज हम इनको आपके सामने समक्ष उपस्थित कर रहे हैं ताकि आप जो है इनसे जान सके, क्योंकि ये सिलेक्टेड है तो आप इनसे जान सके कि LDC की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी रणनीति अपनानी है, आपकी रणनीति क्या रहने वाली है, इन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई थी और वर्तमान में, क्योंकि ये भी जो है लगातार वैकेंसियां दे रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको वो चीजें बता पाएंगे जो अन्य कोई भी, जैसे मैं मान लीजिए आपको तैयार कर रहा हूं तो मुझ में जब तक मैं उस तैयारी से जूझ नहीं पाऊंगा तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो उन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, हम कहें आपकी जानकारी में वर्धन करने के लिए, हम आज आपके सामने लेके उपस्थित हैं श्री रामकिशोर जी, जो जूनियर असिस्टेंट पद पर अजमेर में ही कार्यरत है, SIPF जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसके अंदर जो है जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। आगे मैं इनसे चाहूंगा कि अपना परिचय दें और साथ में बताएं कि इनकी जो रणनीति रही वो किस प्रकार की रही और आज के समय को देखते हुए, आज के पैटर्न को देखते हुए, आज के प्रश्नों के स्तर को देखते हुए किस प्रकार की तैयारी हमें करनी चाहिए। चलिए श्री राम किशोर जी। नमस्कार सर। और जी सर, सर सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामकिशोर प्रजापत, जो वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ और मैं 2018 की जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी उसे चयनित हुआ हूँ और मैं मेरे कॉलेज अध्ययन के साथ ही इस भर्ती में मेरे पहले ही प्रयास में मैं सिलेक्टेड हूँ और मैं आगे भी जो वैकेंसी है उसके में भी मैं आगे अध्ययन कर रहा हूँ, आगे भी मैं प्रयासरत हूँ। और मैं भी आपकी तरह एक सामान्य परिवार से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा एक ही मकसद था, जैसे मैंने 12th की तो मेरे को जो आज की जो राजस्थान की जैसे हालात हैं, बेरोजगारी तो दिनों दिन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है क्योंकि आज के टाइम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए मैंने शुरुआत से ही कॉलेज के अध्ययन के साथ साथ ही मेरी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और 2018 में जैसे PA वैकेंसी 2018 की जो आया था नोटिफिकेशन, उस टाइम में सेकेंड ईयर में था, अध्ययन कर रहा था, तो उस साथ ही तो इसके लिए फिर मैंने सबसे पहले देखा इसका सिलेबस क्या क्या है और मेरा क्या क्या हो सकता है इसमें और मेरा क्या क्या वीक पॉइंट है और मेरा क्या क्या प्लस पॉइंट है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये पहले जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, अपनी BSc सेकेंड ईयर में थे, उसी दौरान 2018 में वैकेंसी आई और वैकेंसी का जब सिलेबस या पैटर्न देखा, जैसे आज हम चर्चा करने की क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस है, अभी सारी चर्चाएं करेंगे हम, आयु वर्ग क्या रहने वाला है, न्यूज क्या आ रही है, CET में क्या सेफ स्कोर रहना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें, जब हम कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले तो हम ये, हमें ये देखना चाहिए कि क्या उसकी योग्यता जो उस एग्जाम में मांगी गई है वो हम पूर्ण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कितना समय मिल रहा है हमें, जैसे अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, केवल न्यूज आई है सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से देखिए जैसे 22 फरवरी को जो है न्यूज आ रही है कि आचार संहिता लग जाएगी, इससे पहले मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार जो है
विज्ञप्ति जारी कर पाएगी। इसका मतलब यह है कि आचार संहिता और उसके बाद एक जो हमारा लोकसभा चुनाव है अप्रैल और मई के माह में, उसके बाद रिजल्ट के बाद जो है इसकी जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला। तो कुल मिलाकर हम देखें तो मोटा मोटा आपके पास 4 से 5 महीने का समय आपको मिलेगा एग्जाम तक का। तो निश्चित रूप से आपके पास अब पर्याप्त समय, अगर आपकी योग्यता पूरी नहीं है। अब देखिए योग्यता पूरी होने का संदर्भ इससे है कि इसमें जो है कक्षा 12 उत्तीर्ण सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण कोई भी व्यक्ति जो है 2018 वाली वैकेंसी दे सकता था, परंतु वर्तमान में जो सीटी 12th लेवल वाला है, जिन जिन अभ्यर्थियों ने सीटी 12th लेवल का पेपर दिया है और पदों के 15 गुना के अंदर जो आएंगे वही इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको जब भी तैयारी स्टार्ट करें सबसे पहले, चाहे किसी की करें, सबसे पहले हमें योग्यता देखनी चाहिए कि हम उस योग्यता के अंदर आ रहे नहीं आ रहे। जैसे कि इन्होंने बताया कि जब ये सेकेंड ईयर में थे तब इन्होंने जो है अपनी जो रणनीति है या हम कहें तैयारी है वो प्रारंभ कर दी। अब हम इनसे चाहेंगे कि इस पूरे पैटर्न के अंदर, इससे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए आज ये सुबह सुबह जो है DIPR जो हमारा जनसंपर्क पोर्टल है उसके माध्यम से जो है श्री भजनलाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने युवाओं को सौगात दी है और सूचस की बुलेटिन के अंदर ये छपा है। और निश्चित रूप से इसमें जो पद दिए गए हैं वो आपको अगर दिख रहे हैं तो मैं बता दूं तो लगभग लगभग यहां पर 3552 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारा जो बजट था, लेखानुदान था, उसमें राजस्थान सरकार ने 70,000 भर्तियों की इसी वर्ष जो है जो हम कहें प्रक्रिया प्रारंभ करने या भर्तियां करवाने की जो है प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। उसमें सबसे पहले 3500 पद और इसमें इसमें से भी नॉन टीएसपी के लगभग 2788 पद और टीएसपी के जो हमारा अधिसूचित क्षेत्र जो होता है उसके 764 पद। तो कुल मिलाकर ये 3552 पद जो है इन पर भर्ती आने वाली है। अब हम रामकिशोर जी को बताएंगे या पूछना चाहेंगे इनसे कि जब आपने तैयारी की तो सबसे पहले आपने देखा कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखते वक्त देखिए बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो हमारे साथ उपलब्ध है अभी, कुछ साथी BSc होंगे या हम कहें साइंस से रिलेटेड होंगे, कुछ साथी आर्ट वाले पोर्शन से रिलेटेड होंगे, कुछ हमारे कॉमर्स से भी होंगे और कुछ ऐसे साथी होंगे जो अन्य स्ट्रीम में कोई ITI कर रहा है 12th के बाद या कोई 12th के बाद ऐसा कोई स्पेशल प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है। क्या वो सभी इस वैकेंसी को दे सकते हैं और देने के साथ क्या उसमें सिलेक्शन प्राप्त किया जा सकता है क्या? देखिए भीड़ तो बहुत सारी बैठती है, जैसे हमने कल देखा लगभग 3-4 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 3,000-4,000 पद होते हैं। तो निश्चित रूप से 4 लाख लोगों को जो है पद नहीं मिलने वाले, मिलने तो वो 3-4 हजार लोगों को ही है पद। फिर भी हम देखें तो क्या किस बैकग्राउंड का व्यक्ति जो है इसको सिलेक्शन को प्राप्त कर सकता है या हमारा कौन सा पोर्शन सिलेबस के अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसको लेकर हम बहुत कम समय में जो है आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार आप बताइए कि इसका सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है। मैं इसके लिए एक बार जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है पैटर्न उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे और साथ में आपसे पूछूंगा कि आपकी क्या रणनीति रही और उसके साथ आज वर्तमान के पैटर्न को देखते हुए क्या रणनीति हमारी रहनी चाहिए। जी सर, जैसे जैसे टाइम हो रहा है, जैसे जैसे दिनों दिन जैसे आर्थिक हालात हो रहे हैं और कंपटीशन भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए अब आपको जमकर तैयारी करनी पड़ेगी। और इसका सिलेबस क्या क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें दो पेपर होते हैं सामान्यतः, एक पेपर में सिर्फ सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और ये होते गणित, दूसरे में होता है हिंदी और इंग्लिश, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन और विज्ञान के 50 क्वेश्चन और गणित के भी 50 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 150 क्वेश्चन होंगे आपके पहले पेपर में, जो कि 100 नंबर का होगा। दूसरा होगा हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश का 75-75 नंबर का होगा, 75-75 क्वेश्चन का होगा और ये भी 100 नंबर का ही होगा। मतलब आपको 300 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे आपके और दो पेपर होंगे आपके। मतलब कुल मिलाकर हम बात करें तो आपको ये जो पेपर है ये दो भागों में मिलेगा। पहले भाग के अंदर आपको सामान्य ज्ञान, उसके साथ दैनिक विज्ञान और उसके साथ गणित, तीनों ही पोर्शन के 50-50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनका जो टोटल अंक विवरण होगा वो लगभग 100 अंकों का होगा। फिर उसके बाद बात करें हम लोग दूसरे फेज की या हम कहें दूसरे पार्ट की, दूसरे पार्ट के अंदर आपको सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी इन दोनों का पेपर मिलेगा। 75-75 क्वेश्चन आएंगे और लगभग 100 अंक
प्राप्त होंगे इन दोनों के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप जो है तैयारी करने की इच्छुक है, तो आपका कौन सा पोर्शन सबसे मजबूत होना चाहिए या हमें कौन सा पोर्शन ज्यादा मजबूत करना है। तो देखिए, अगर हम मोटा मोटा, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि अगर पार्ट टू में आप अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों अपनी मजबूत कर ले, अभी हम सिलेबस की चर्चा भी करेंगे, और उसके साथ आपका जो गणित वाला पोर्शन है वो अगर आपने मजबूत कर लिया, तो ये मान के चली गए कि आपको 200 प्रश्न जो है वो लगभग कवर हो रहे हैं। 300 में से लगभग 200 प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। उसके साथ सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, ये दोनों ही पोर्शन जो 50-50 अंकों के आने हैं, 50-50 प्रश्नों के आने हैं सॉरी, तो उन दोनों को अगर आप तैयार कर लें तो आपका सिलेक्शन तय है। तो अगर आपके कमांड है अंग्रेजी में, हिंदी में और गणित में, तो आप आसानी से इस पेपर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और पद भी कमजोर नहीं है, 3500 पद जो है अपने आप में पर्याप्त होते हैं। हमें तो आपका अपना केवल एक पद निकाल कर लाना है अपनी कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से भी हम हैं, तो इतने कमजोर पद नहीं है। वैकेंसी के अंदर जिन्होंने सीटी दिया है उन्हीं को जो है अप्लाई किया जाएगा। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपका इन पांच पोर्शन में से कौन सा ज्यादा मजबूत था और किसमें आपने कितना लगभग स्कोर किया। जैसे सर, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मेरे 12th में साइंस मैथ सब्जेक्ट रहा है, तो मेरा इन जो अपना जो ये था सिलेबस, जैसे एलडीसी 2018 की भर्ती आई थी तो सबसे पहले मैंने ये मेरा सिलेबस ही देखा था, और इसमें मेरा क्या क्या जो मेरा स्ट्रांग है उसको पहले मैंने छांटा, जो मेरा वीक है उसको मैंने एक तरफ रखा। तो मेरा सबसे पहले जो ये पोर्शन गणित का पोर्शन है, ये मेरा था प्लस पॉइंट था कि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, और इसको मैंने सबसे पहले तैयार किया कि इसमें क्या क्या सिलेबस था, क्योंकि बीएससी जो साइंस है उसमें गणित अलग होती है और जो ये अपनी जो होती है कॉम्पिटिशन की मैथ होती है ये अलग होती है। तो सबसे पहले मैंने गणित का सिलेबस देखा, फिर मेरा साइंस बैकग्राउंड से, तो सबसे पहले मैंने साइंस कवर की, और इसके बाद मेरा जो प्लस पॉइंट था हिंदी इंग्लिश, और मैं जीके में इस कॉम्पिटिशन तक मैंने इससे पहले कभी जीके नहीं पढ़ी, और इसके साथ फिर मैंने कहा ये चार सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग हो रहे हैं इसमें, तो मैंने जीके का यदि मेरा आधा अधूरा भी रहता है तो भी मेरा इसमें बैठ जाएगा, तो इसलिए मैंने इतना सबसे पहले तो मेरा प्लस है उसको मैंने सबसे प्लस किया, और जो मेरा वीक है उस पर फिर मैंने ध्यान दिया सबसे। लेकिन मेरा एक बार के लिए मैंने मेरा जो मेरा सब्जेक्ट फेवरेट है उसको मैंने एक तरफ रखा करके, ताकि हाँ इसमें मेरा कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और जीके का फिर मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने जीके नहीं पढ़ी, जीके पढ़ी है मैंने, तो जीके फिर मैंने मेरे जो साथी हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या क्या रहता है जीके लिए, कौन सी किताब बेस्ट रहती है, क्योंकि मेरे शुरुआत मतलब वो करनी थी जीरो से शुरुआत करनी थी, तो उसके लिए मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं एकदम, इसलिए फिर आगे ऐसे मैंने रणनीति बनाई। चलो, इससे मुझे ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इनकी रणनीति इस प्रकार की थी कि हमारा जो पोर्शन है, मान लीजिए मैं जीके से आता हूँ या आर्ट वाले पोर्शन से आता हूँ, कुछ हमारे साथी होंगे जो विज्ञान से आते हैं, कुछ हमारे साथी होंगे जो गणित से आते हैं, तो जो आपका सबसे स्ट्रांग पोर्शन है उसको सबसे पहले तैयार करें, उसको फ्री करें, ताकि आप दूसरे पोर्शन पर अपना जो है एनर्जी, हम कहें अपना जो योग्यता है उसको हासिल कर सके। फिर उसके बाद जैसा इन्होंने बताया कि ये पेपर तक बिल्कुल जीके में जीरो थे, इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी पोर्शन में कमजोर हैं और आप चाहते हैं कि मुझे उस वैकेंसी में सिलेक्शन प्राप्त हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें कमजोर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बहुत कम पढ़कर भी बहुत ज्यादा अर्जित कर सकते हैं। जैसे मुझे जहां तक याद है, जब ये तैयारी कर रहे थे तब इन्होंने शायद जीके की उस सिलेबस का एक ही किताब लाए थे जीके वाली, और केवल वो एक ही किताब पढ़ी थी। हम देखिए किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, फिर भी जो अच्छी किताबें होती हैं उनका नाम लेना जरूरी है। तो मैं इनसे चाहूंगा कि कौन सी किताब वो लेके आए थे उनके बारे में थोड़ा सा बता दें, और उस किताब से उन्होंने जीके के वो जो पोर्शन है उसको किस प्रकार से तैयार किया, और उसके साथ जो इनके जो बाकी पोर्शन थे जैसे हिंदी इंग्लिश के लिए इन्होंने कौन सी बुक्स का प्रयोग किया, या गणित तैयार करने के लिए कौन सी। देखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी अच्छी किताब का नाम ले लें, क्योंकि आपको आपके फायदे के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो मैं इनसे चाहूंगा कि आपने कौन सी बुक्स प्रयोग की, कौन सा कंटेंट प्रयोग किया, क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, और क्या आपने टेस्ट सीरीज दी, इन सारी चीजों पर ये मैं चाहूंगा कि ये आपको लाभान्वित करे। जैसे कि सर मैंने बताया कि मैं साइंस से रहा और मेरा मैथ को, मैं मैथ की सिर्फ एक जो अपने जो बाजार में जो भर्ती है, जैसे एलडीसी 2018 की भर्ती आई थी उसके अकॉर्डिंग जो किताबें छप जाती है आजकल, आज जैसे भर्ती आई है 2024 की, तो आपको कल परसों या
सप्ताह भर में इसकी किताबें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने एक तरह से मतलब वो लेने के लिए, गाइड लेने के लिए मैंने देखा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या मेरे को पढ़ना है, तो इस हिसाब से मैंने एक किताब खरीदी। जैसे आप कोई सी भी खरीद सकते हैं, कि जो मैंने खरीदी वो आपको नहीं है, लेकिन एक तरह से आपको सिलेबस का पता होना चाहिए क्या क्या, क्योंकि वरना आप सिलेबस एक टॉपिक इस किताब से पढ़ोगे, एक टॉपिक इस किताब से पढ़ो, इससे अच्छा है कि एक सिलेबस वहां से मिल जाए, फिर आपको उसमें यदि आपको अच्छा लगे या उसमें कोई आपको नहीं आया समझ में, तो आप अदर किसी गाइड का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो मेरा जीके का पोर्शन सबसे वीक था, तो उसको मैंने पूछताछ करके एक आती है राजस्थान मानचित्रावली नाम की, राजस्थान मानचित्रावली नाम की आती है सिकवाल पब्लिकेशन की, वो सबसे मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मतलब एक छोटी सी किताब में राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, हिस्ट्री, मतलब उसमें आर्ट कल्चर, मतलब एक तरह से आप मानो कि राजस्थान का लगभग लगभग 80% जो सोर्स है वो कंप्लीट हो रहा था मेरे जैसे साथियों के लिए जो मतलब जीके में जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं और इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, देखिए जैसे इन्होंने नाम लिया राजस्थान मानचित्रावली, सिकपाल पब्लिकेशन की आती है, बहुत ही उत्तम पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, उन साथियों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी, और या फिर जो अपना एक कंटेंट तैयार कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पुस्तक है, क्योंकि ये मानचित्रों के माध्यम से ज्योग्राफी समझाई जाती है, या राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर मानचित्रों के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया है, तो आपको कम समय में ज्यादा गेन कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा, देखिए 2018 और 2024 में रात दिन का अंतर आ गया। मैं फिर आपको बता दूं, उस समय परीक्षा का जो पैटर्न था, जो प्रश्न पत्र बनाए जा रहे थे, प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों का पैटर्न था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कल का पेपर उठा के देखिएगा आप, जूनियर अकाउंटेंट का, तो वहां पर आप देखिए कि अब वो जमाना गया कि सीधा सीधा प्रश्न पूछा, चार में से एक आंसर आ गया, अब नहीं है, अब आपको चारों ऑप्शन के बारे में 100% सही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब एक प्रश्न में एक प्रश्न नहीं आता, एक प्रश्न में 6 प्रश्न आते हैं। तो कुल मिलाकर जब भी आप तैयार करें अपना कंटेंट, तो इस चीज को ध्यान रखें कि पेपर का पैटर्न कैसा है, या अभी अधीनस्थ बोर्ड के जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो किस प्रकार के बनाए जा रहे हैं, ताकि आप जब तैयार करें अपने कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट को, तब आप उसी प्रकार से जो है उस तैयारी को संपन्न करें। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी टॉपिक में चार कंटेंट है या चार तथ्य हैं, आपने दो ही तथ्य महत्वपूर्ण याद किए और बाकी छोड़ दिए कि ये तो नहीं पूछे जाएंगे, परंतु एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि वो 6 के 6 तथ्य पूछे जा रहे हैं, और 6 के 6 के बारे में आपको सही जानकारी होगी, तभी आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं और 100% ये कह सकते हैं कि मैंने सही आंसर किया, अन्यथा माइनस मार्किंग जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अभी वर्तमान में, क्योंकि 40% वाला जो नियम है वो सबको दुखी कर रहा है, क्योंकि कई वैकेंसी ऐसी है जिसमें बहुत सारी कैटेगरी में 40% वाले व्यक्ति मिल ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन का लेवल तो बढ़ गया है, परंतु जो तैयारी करने वाले हैं उनका लेवल अभी भी वही है, तो हमें उस लेवल को क्रॉस करके यहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी हम इस तैयारी को या हम सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने बताया कि गणित चूंकि इनका बेसिक सब्जेक्ट है, तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से गणित की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ बाजार में पुस्तकें भी उपलब्ध है प्रैक्टिस करने के लिए, वो ले सकते हैं। साथ ही जीके के लिए आप अपना खुद का कंटेंट, क्योंकि अभी 6-7 महीने हैं आपके पास, तो तैयार रखिए अपना कंटेंट, ताकि आप परीक्षा के समय जो है ज्यादा समस्या आपको हो नहीं। हिंदी इंग्लिश के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में कोई अगर व्यक्ति शुरुआत कर रहा है हिंदी इंग्लिश की, तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, सीईटी सबने दी है, तो निश्चित रूप से सभी ने हिंदी इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, और हमारा जो विज्ञान वाला पोर्शन है और हमारा जो जीके वाला पोर्शन है वो निश्चित रूप से पढ़ा होगा। फिर भी सिलेक्शन के लिए आपको देखिए 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए और क्या रणनीति होनी चाहिए? हिंदी इंग्लिश का जैसे सर बता रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में क्या रणनीति लेनी चाहिए, तो हिंदी इंग्लिश में मैं बता दूं कि हिंदी इंग्लिश का जो अपना जो होता है ना ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है वो ही एग्जाम में पूछा जाता है, और जो कि अपन कक्षा 6 से लगातार पढ़ते आ रहे होते हैं, बस उनका अपन को सही ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए जो एनसीईआरटी की जो बुक है, जो अपनी है राजस्थान की एनसीईआरटी की बुक है हिंदी इंग्लिश की, जो भी अपन पढ़ रहे हैं कक्षाओं से, तो वो ही इसमें पूछा जाता है ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा ही। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई सी भी, यदि आप यदि पहले पढ़ चुके हो तो वो ठीक है, लेकिन आप एग्जाम के हिसाब से मेरे हिसाब से ये गाइड आपको या जो भी किताब आपको बेस्ट लगे मार्केट में जाके, या आपके जो सीनियर हैं जो पहले कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, तो उसमें से आप देख लीजिए उनके साथ जाके कि आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, उस हिसाब से एक बार आप वो लेके उसमें पढ़ लीजिए। फिर आपको यदि उसमें आप नहीं हो, तो आजकल वैसे ही यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है ऑनलाइन का, तो आपको जो टॉपिक डालोगे उस टॉपिक में आप अच्छे से कर सकते हो, बस
बस बात ये है कि आपको एक बार जल्दी, आपका आराम से इसमें टाइम लेना सिलेबस कवर करने में, वो सिलेबस कवर करने के बाद मेरे हिसाब से आपको मॉडल पेपर देना चाहिए, ताकि उसमें आपको कमी पेशी पता लगे कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, किस टॉपिक आपका अच्छा हो रहा है और किस टॉपिक में आपसे गलतियां हो रही है, ताकि वो अपन पहले तैयारी कर लें कि आप अपने पेपर में ना हो। जैसे कि सर ने बताया कि पहले तो एग्जाम होते थे उसमें सीधा पूछते थे, क्वेश्चन दे दिया और उसका एक आंसर होता था, ताकि आपको मतलब पूरा टॉपिक में से सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी। लेकिन जो मैं कल पेपर देखा हूँ अकाउंटेंट का, सॉरी, तो उसमें चारों ऑप्शन यदि आपको पता है, जैसे कि मान लो कोई भी टॉपिक दे दिया हवा महल या अजमेर का निर्माण किसने करा है, जो भी है, तो अजमेर के तथ्य के बारे में आपको चार टॉपिक दिए जाएंगे, यदि चारों क्लियर हैं आपके तभी ही आप दे पाओगे उनके उत्तर, वरना आप मान लो कि आपको एक पता है और तीन पता नहीं, तो आप वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको मेहनत तो बहुत ही आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि आज की जो कॉम्पिटिशन जमाना है बेरोजगारी का, इससे आप उबर सको, बाहर आ सको। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि इससे इसके जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के अंदर जो है, देखिए ये इसका जो सेकंड फेज होना है, मतलब आपको पहले तो ये दो पार्ट में प्रश्न पत्र देना है जो 3-3 घंटे को है, और दोनों क्या ही मार्जिन 100-100 अंकों का है, मतलब 200 अंक तो आपको यहां से प्राप्त करने। उसके साथ हम बात करें कि इसका जो सेकंड पार्ट होना है, जिसमें आपको टाइपिंग टाइपिंग वाला जो पोर्शन, मतलब कंप्यूटर जो अभियोगिता होती है, टाइपिंग वाली जो पोर्शन होती है उसके बारे में आपको बताएं, तो कंप्यूटर में हिंदी टंकण, मतलब आपको जो है हिंदी की टाइपिंग और अंग्रेजी की टाइपिंग आनी चाहिए। दोनों के लिए आपको 10-10 मिनट मिलते हैं। दोनों का जो अंक विवरण है लगभग लगभग 25-25 अंकों का होता है, और इसमें दो प्रकार की, एक तो होती है गति और एक होती है दक्षता। गति का अर्थ है कि आप कितने समय में कितने वर्ड टाइप कर पा रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी कैसी है, तो एक्यूरेसी और गति है दोनों का मिलान करके लगभग आपको 50-50 अंक जो है दोनों ही पोर्शन में मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 200 तो वो और 100 अंक ये, तो आपका जो ग्रांड टोटल होना है वो लगभग 300 अंकों का होना है। और इसकी अगर मेरिट की बात कर ले हम लोग, तो पिछले वर्ष आपकी क्या मेरिट रही, इसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। सर, इसमें दो पेपर होते हैं जैसे सामने ने बताया, और इसमें जो पहला फेज है वो 200 नंबर का है और दूसरा फेज है जो आपको 100 नंबर का है। तो आपको पहले फेज की ये होता है, और इससे आपको पहले सेलेक्ट करेंगे, इसमें जो चयनित होंगे विद्यार्थी उन्हीं का ही जो सेकंड फेज है वो होगा, ना कि पेपर वन के साथ पेपर टू होगा। बस पहले पेपर वन होगा, उसमें जो सिलेक्टेड रहेंगे उसके अनुसार ही उनकी टाइपिंग होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर है जो ग्रांड टोटल है वो 300 का होना है, तो इसमें जो मेरिट है वो लगभग कितनी रहती है। इसमें मेरिट जैसे पिछली बार बताया तो लगभग हमारे जो 200 नंबर का क्वेश्चन था, 200 नंबर का जो पहला फेज था, उसमें से लगभग ओबीसी की जो ओबीसी का जो रहा है, जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी रहा है, जनरल ओबीसी का लगभग 115 रहा है, 115 जो नंबर रहे हैं, मतलब जिसके 200 में से लगभग 115 नंबर थे वो अप्लाई कर पाए किसके लिए, टाइपिंग के लिए। ठीक है, उन्हीं लोगों को बुलाएगा टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग में आप सभी को पता है कि ये ऐसा पोर्शन है कि अगर आपके इस रिजल्ट के बाद भी आपको लगभग 1 महीने का समय मिल गया, तो आप आराम से इस 100 में से 90 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मोटा मोटा हमारे सामने जो मेरिट निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि 215 नंबर आपके अगर हैं या 220 नंबर के आपके आसपास हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे इस एग्जाम को। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें, तो अगर आप जो है 300 में से 220 अंक या 225 अंक या 230 अंक तक प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि 100 में से मान के चलिए 80 से 90 नंबर लगभग सभी लोगों के आ जाते हैं, और 115 जो इसकी कट ऑफ रही थी पिछली बार, जो इस बार बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछली बार जो पद थे वो लगभग 11,000 के आसपास थे 2018 में, और वर्तमान पद जो है वो 3,500 के आसपास है, और उसमें भी सीईटी वाले आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो हमारे सीटी वाले अभ्यर्थी हैं उनका लेवल निश्चित रूप से ऊपर है। और सीटी का भी सेफ स्कोर की चर्चा भी हम करने वाले हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा और किस व्यक्ति को इस अंक से ऊपर वाले को तैयारी कर लेनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि 220 या 230 के आसपास अगर आपके अंक प्राप्त हो जाते हैं 300 में से, तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई होने वाले हैं। और अगर 250 अंक प्राप्त कर पाते हैं इस 200 में से 150, और यहां पर 100 में से अगर 90 अंक तक ले आएंगे आप, तो 240-250 में आपका 100% सिलेक्शन हो जाना है।
निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाना है, पर इसके लिए आपको हिंदी अंग्रेजी पर 100% कमांड करनी पड़ेगी, गणित में आपको मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा, विज्ञान और सामान्य ज्ञान जो है अन्य अभ्यर्थियों के बराबर में आपको आकर बैठना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा, इसके अतिरिक्त ये संभव नहीं है। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या रहनी है और शैक्षिक योग्यता क्या है। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि 12वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इसको दे सकता है, चाहे वो किसी स्ट्रीम से हो, परंतु इस बार जो योग्यता है उसमें परिवर्तन है। आपको पता है कि 12वीं लेवल वाला जो सीईटी है, 10+2 वाला जो सीईटी है, जिसने अप्लाई किया, जिसने एग्जाम दिया, जिसको स्कोर कार्ड मिला है, केवल वो ही अप्लाई कर पाएगा। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट जो है वो 15 गुना जो है पदों का 15 गुना रखती है या फिर 40% से ऊपर वालों को अलाउ कर देगी, क्योंकि हमें सबको पता है सीईटी में दो पात्रताएं दी गई थी, सर्वप्रथम कि या तो 40% या फिर जो है क्या कहें हम जो हमारे 15 गुना वाले हैं, इन दोनों में से कोई भी एक निर्णय ले सकते हैं। जो कि अभी जूनियर अकाउंटेंट ने 15 गुना का लिया, जो कांस्टेबल है उसमें 15 गुना का लिया, तो इसमें भी मान के चलिएगा कि 15 गुना वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो एक तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, उसके अतिरिक्त जो है डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, RSCIT वाला डिप्लोमा अगर आपके पास है, देखिए स्पष्ट लिखा है RSCIT का अगर डिप्लोमा आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो 12th CET तो दे चुके हैं, नंबर भी ठीक ठाक बन रहे हैं कि सर 180-200 नंबर आ रहे हैं, पर RSCIT का डिप्लोमा नहीं है, तो तुरंत आज ही अपने नजदीकी RSCIT केंद्र पे जाएं, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाएं और तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्यों? क्योंकि एग्जाम जब तक होगा, देखिए कोई भी योग्यता एग्जाम डेट तक आपके पास हो जानी चाहिए, तो जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका RSCIT कंप्लीट हो चुका होगा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए इसके अतिरिक्त अगर आप कंप्यूटर के अंदर डिग्री रखते हैं, कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर एप्लीकेशन यूएसटीसी कहीं से भी, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप DPSC का सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीनियर सेकेंडरी अगर आपने कर रखी है किसी भी बोर्ड से कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो भी आप, अगर उसके अंदर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक वाले जो होते हैं हमारे साथी, जो बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 12वीं पास हो और आपके पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री है RSCIT के सहित, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके सीईटी का स्कोर भी इसमें मान्य रहेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से आप उस 15 गुना या जो भी क्राइटेरिया तय करते हैं उसके अंदर आते हैं, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे हमारी आयु, आयु इसमें 18 वर्ष जो है, देखिए यहां 2018 की वैकेंसी जब जारी हुई थी उसमें 1 जनवरी 2019 माना गया था, तो हमारी जो आयु अभी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 काउंट होगी, जहां तक मुझे लगता है 24 काउंट नहीं करेंगे, 1 जनवरी 2025 को जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया, कितने का हो गया, 18 वर्ष का हो गया है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और अधिकतम आयु 40 वर्ष की है, और जो छूट प्रदान होती है जैसे कि सामान्य महिला वर्ग को 5 वर्ष की छूट है, SC ST को हमारे जो साथी हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, इसके अतिरिक्त जो SC ST की महिला वर्ग है उनको लगभग 10 वर्ष की छूट है, तो ये भी भर सकते हैं। और जो हमारे भूतपूर्व कैदी हम कहें जो कोटे से आते हैं उनको भी लगभग लगभग 5 वर्ष की छूट दी गई है। चलिए इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं इसके सिलेबस पे, क्योंकि किसी भी वैकेंसी की रणनीति बनाते वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है सिलेबस। देखिए पैटर्न क्या रहना है, समय कितना निकालना है, कैसा पेपर पेपर पैटर्न आ रहा है पुरानी वैकेंसी में, ये सब अपनी जगह है, बट जब तक आप सिलेबस नहीं करोगे कंप्लीट तब तक कोई मतलब नहीं है रणनीति का। तो रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है सिलेबस, और मैं आपको रामकिशोर जी को कहना चाहूंगा कि वो एक बार इसको सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कराएं, क्योंकि ये इससे जुड़े हैं, इन्होंने इस वैकेंसी को क्रैक किया है, तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जी सर, जैसे बताया सर ने कि सिलेबस मेन होता है, और मैं भी कहता हूँ सिलेबस किसी भी, इसका नहीं, किसी भी आपके, जैसे अपन कॉलेज का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें भी अपना क्या क्या टॉपिक है, अपन को किस पोर्शन में ज्यादा जोर देना है, किस पोर्शन जो अपन को अपना वीक है तो उसको थोड़ा सा रखना है, तो इस हिसाब से जैसा कि सिलेबस है, तो सबसे पहले जो जो है जीके का सिलेबस है, तो जीके में आपका लगभग लगभग पोर्शन जो है पूरा का पूरा ही राजस्थान का पोर्शन है, जैसे कि राजस्थान का जो आर्ट कल्चर है, इतिहास है, राजनीतिक चेतना है, पुनर्गठन है, लोक भाषा साहित्य है, संत कवि लोक देवता लोक मेले त्योहार रीति रिवाज है, जो मतलब एक तो आपका आर्ट और कल्चर है, ठीक है राजस्थान का, और दूसरा आपका है कि
जैसे ये है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, कृषि और आर्थिक विकास है, मतलब आपका एक तो वो है ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी है, ठीक है। और एक है आपका करंट, जो अभी जो ये वैकेंसी है तो इसमें आपका 2000, जैसे अभी बजट आ चुका है तो 2024 और 25 जो का रहेगा अपना, जो अपना आर्थिक समीक्षा आएगी तो उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। तो इसलिए राजस्थान का पोर्शन ये है पूरा का पूरा, आपको मेन आपका ज्योग्राफी है, आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है और आपको पॉलिटी भी है राजस्थान की, जिसमें आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो भी पोर्शन है राजस्थान के, जो भी पंचायती राज है, तो उनका पोर्शन है राजस्थान का। इतना ज्यादा नहीं है इसमें पोर्शन, मतलब आप आराम से नहीं हो रखा वो भी कर सकते हैं। अब अपन आते हैं विज्ञान पर, तो विज्ञान में आपका जैसे कि भौतिक रसायन, धातु है धातु, कार्बन, मतलब आपका एक तो है केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है केमिस्ट्री। फिर आता है आपका और प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, लेंस का प्रकार। फिर आपका आता है विद्युत धारा, तो ये आपका हो गया फिजिक्स का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आता है अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी संबंधी शब्दावली और पर्यावरण अध्ययन, मतलब आपका इको जो है साइंस वो भी है, और इसमें थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन भी है, मतलब आपका साइंस का पूरा पढ़ना है आपको, 10th लेवल का सारा रक्त समूह है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, और इसके साथ साथ जो इसमें जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसमें पूछे जाएंगे सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब आपको साइंस के साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस जो सूचना प्रौद्योगिकी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बाहर का अंतरिक्ष है, तो इसमें आपको कंप्यूटर के हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे पक्का है ये। तो ये रहेगा साइंस का। कुल मिला के मोटी मोटी बात देखें साइंस के सिलेबस में, तो अगर आप 10th लेवल की अगर साइंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो है टारगेट जो है इस वैकेंसी को लेकर वो पूरा होने वाला है। इसके अतिरिक्त हम चर्चा कर लें आगे तो गणित वाले पोर्शन की, क्योंकि देखिए गणित के 50 क्वेश्चन है और उसके साथ जो गणित आएगी इसके अंदर वो निश्चित रूप से जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट में देखा गया है कल, बहुत अच्छी गणित दी गई है, लो लेवल की गणित आपको देखने को नहीं मिलने वाली, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो एक बार आप सिलेबस दिखा दीजिए गणित का क्या क्या सिलेबस रहना है, और इसके साथ मैं आपको बता दूं जल्द ही हम जो है गणित का जो सीईटी वाला पोर्शन है जो कि इसमें भी है, पटवारी में भी है और अन्य वैकेंसियों में भी कॉमन है, उसको हमारे प्लेटफॉर्म पर लेके आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लॉन्च करने वाले हैं, रवि चौधरी सर, और वो आपको जो है गणित से संबंधित जो समस्याएं हैं आपकी उसका निराकरण करने की जो है वो कोशिश करेंगे। एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में पूछा गया है, और इसके बाद हम जो है आपके लिए गणित का जो पाठ्यक्रम है उसकी रणनीति भी आपके लिए बनाकर लेके आएंगे सर के माध्यम से। सर जैसे सर ने बताया गणित का पोर्शन है, तो मेरे हिसाब से राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं लगभग या तो आते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से या आते हैं साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन उनके सिर्फ दो ही प्रॉब्लम होती है, एक तो अपनी इंग्लिश है और दूसरा है मैथ। इन दो सब्जेक्ट से विद्यार्थी को डर रहता है हमेशा, तो जिसका 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 है बैकग्राउंड मैथ का उसको थोड़ा कम डर रहता है, तो मतलब और जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है उसका तो पता नहीं कितना डर होता है, तो इसलिए इतना ज्यादा नहीं है इसमें। 10th लेवल की मैथ पूछी जाएगी आपसे, जैसे ये वैदिक वैदिक से गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण दो चरों वाले, अनुपात, संवाद, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो आपके दैनिक जीवन में जो यूज हो रही है गणित, जैसे अपन मैं बताऊं कि आप अपने जैसे अपने हैं बूढ़े बुजुर्ग जो है अपने दादा दादी हैं उनकी कहते हैं, उनको भी ऐसा पूछा जाए कि जो पैसे ब्याज में देते हैं, तो वैसे क्वेश्चन है, तो उनको आप अपने सरल जीवन में जैसे करते हो उस हिसाब से पढ़िए आप, आपको मजा आएगा। और इसके साथ ही एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, कोण मापन, मतलब आपका मैथ ही जो रहेगा अच्छा रहने वाला है। और आज के जो टाइम के अकॉर्डिंग जो पेपर आएगा मैथ का, उसको अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि आपको ये तो फॉर्मूले पढ़ लिए, आपको जिनका मैं कहूँ जिनका यदि मैथ अच्छा है तो उनको ठीक है, यदि जिनका मैथ अच्छा नहीं है वो आज से ही मतलब एक एक टॉपिक ही यदि आप करोगे रोज के, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि आप 30 दिन या 40 दिन के अंदर अंदर मैं बताऊं कि आप यदि कोई जीरो से भी स्टार्ट करता है तो वो भी मैथ में महारत हासिल कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा मैथ नहीं है। आप अपने कोई भी नजदीकी जो मैथ में है उनसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी कर सकते हो, और आप यदि खुद से पढ़ना चाहते हो खुद भी पढ़ सकते हो, या कोई किताब लाना चाहते हो उससे भी पढ़ सकते हो, तो इसमें आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं
तो इतना ज्यादा वेटेज रहेगा इसका। और अब अपन बात कर लेते हैं ज्यादा आगे हिंदी की। चलिए देखिए, ये हिंदी है निश्चित रूप से, ये हमारे राजस्थानियों का महत्वपूर्ण हम कहें सब्जेक्ट भी है और इससे बड़ा लगाव भी रहता सभी को। और क्योंकि इसमें 75 अंकों की हिंदी आनी है तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, एक बहुत अच्छे हमारे संस्कृत के विद्वान है, हिंदी के विद्वान है, उसको लाने की। फिर भी जो है एक बार सिलेबस देख लेते क्या क्या सिलेबस में रखा है। तो सबसे पहले जो है संधि, संधि विच्छेद, सामाजिक पदों की संरचना, सामास, विग्रह, उपग्रह, प्रत्यय, कुल मिलाकर जो हमारा जो पूरा व्याकरण है उसके अंदर दिया गया है। और लगभग वो सभी कॉमन टॉपिक है जो हर वैकेंसी में पूछे जाते हैं, चाहे सीईटी ले लें, चाहे पटवारी ले लें, चाहे एलडीसी ले लें, चाहे और अन्य जो वैकेंसी आरएस वगैरह जो हमारी होती है, उन सब में यही पोर्शन पूछा जाता है। और मैं बता दूं आपको, आपको किसी भी पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे जैसे हिंदी आई तो अपन कहते हैं हिंदी में क्या कर लेंगे, हिंदी नहीं। मैं बता दूं पिछली जो 2018 की भर्ती थी एलडीसी की सर, उसमें पार्ट वन तो हर किसी का पास हो रहा था, लेकिन पार्ट जो टू था पेपर का, पहले पेपर का, जिसमें मतलब हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी इंग्लिश, इसमें आती वो है। उस टाइम इसमें 40% अनिवार्यता थी। मैं बता दूं आपको, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पार्ट वन में अच्छे नंबर बन रहे हैं, लेकिन पार्ट टू में उनका 40% नहीं आया, क्योंकि वो इतने हड़का ज्यादा ले लिया कि उनके हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश का तो अपन मान लेते हैं कि भाई जिसका वीक है ठीक है, लेकिन हिंदी में उनको आते हुए भी, क्योंकि जो रहेंगे अपना क्वेश्चन वो इस हिसाब से पूछे जाएंगे और उनके उत्तर इतने सेम रहेंगे कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वो क्या पूछ रहा है उस पर करना है। जैसे कि मान लो कि वो पूछे सही नहीं है और वहां मान लो आप कर दिया सही है, तो फिर आपका ऐसा हो जाता है। और वैसे भी है कि अपना जैसे ऑनलाइन होता है तो उसमें अपन कर लेते हैं कि भाई क्लिक की जैसे ए भर दिया है और मान लो चेंज करना था तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपना ओमार रहती है, ओमार में एक बार तो भर दिया और जो भर दिया तो वो हो गया। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से आपको वहां पर इतना रखना है कि ठीक है पहले क्वेश्चन पढ़ना है क्या पूछ रहा है, उस अनुसार आपको टाइम लेना है। थोड़ा सा आपको टाइम खूब देंगे, 3 घंटे, 3 घंटे मिलेंगे आपको अच्छे से आपको रिवाइज करने के। तो आप अच्छे से करना, ऐसा नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में, और अधिकतर प्रॉब्लम यही होती है अपन पेपर के बाद में करते हैं, अरे यार ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, ये मेरे से दिमाग से हो गया, ये पहले ऑप्शन बढ़ दिया, तो ऐसी नहीं, गलती नहीं, नहीं करनी नहीं, है। पेपर में आजकल और पैटर्न चल रहा है हमारे एजनेस बोर्ड में, राजस्थान की सारी वैकेंसियों में हर प्रश्न जो है उसमें ये पूछा जाता है कि निम्न में से नहीं है। और अब तीन ऑप्शन तो हमें पता होते हैं कि ये है, तो कई बार नहीं छूट जाता है और पहला ही ऑप्शन जो होता है उसका आंसर होता है, क्योंकि तीन ऑप्शन उससे जुड़े होते हैं तो हम उसको टिक कर देते हैं और बाद में आके घर देखते हैं और यहाँ तो नहीं लिखा था, मैंने देख ही नहीं पाया। तो ये जरूर देखें कि अब एग्जाम में है वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, अब आ रहा है कौन सा निम्न में से नहीं है। तो इसलिए क्योंकि हिंदी है, देखिए निश्चित रूप से इसमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक नहीं होगा तो तीन एक जैसे होंगे और एक चौथा जो है उसका आंसर होगा, तो आपका जो मार्जिन है उत्तर निकालने के लिए वो भी बहुत कम मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त हिंदी का, जैसे जहां तक मैं समझता हूँ कि हिंदी और गणित दोनों ही ऐसे विषय और अंग्रेजी ऐसे विषय हैं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही क्लियर होते जाओगे। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो जरूर ज्वाइन करें, हिंदी की टेस्ट सीरीज जहां पर भी आपको उपलब्ध हो जाए जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपकी जितनी अधिक प्रैक्टिस हो सके उससे आप जो है इसका आंसर निकाल सके। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अंग्रेजी की। अंग्रेजी की अगर बात करें तो टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, यूज ऑफ प्रोपोजिशन, ट्रांसलेशन सिंपल, तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट के वही पोर्शन आपके सामने रखे गए हैं जो कि सामान्य रूप से हर एग्जाम में आ रहे हैं और 10th लेवल का सिलेबस है, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। बस आपको जो है चूंकि व्याकरण है तो व्याकरण में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारी बुक्स आती है प्रैक्टिसेस के लिए, आप वो ला सकते हैं। बुक से क्या होगा कि आप अगर कहीं गलती कर पा रहे हैं तो उसका आंसर भी ढूंढ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में तो हम समय बहुत ज्यादा लग जाता है, आंसर जो सामने वाला टेस्ट सीरीज वाला जब देता है फिर उसका जो हम देखते हैं विवरण देखते हैं उसमें बहुत समय लग सकता है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप बुक के माध्यम से इंग्लिश की। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, इनसे पूछना चाहूंगा कि अभी अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको किस प्रकार से करनी चाहिए, या इस इंग्लिश को तैयार करते वक्त क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर ने बताया प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस का मैं बता दूं आपको, प्रैक्टिस मैथ्स मेन परफेक्ट, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी टॉपिक की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पहले दिन से प्रैक्टिस करनी है, आपको पहले पूरा अपना सब जो अपना सिलेबस है वो पूरा करना है। आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको बार बार करना है, लेकिन जैसे ही एक बार हो जाए आपका कंप्लीट,
तो उसके बाद आपको कोई भी मार्केट में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आती है, आजकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आज का इतना आधुनिकीकरण हो गया है कि आप मोबाइल में टेस्ट सीरीज आप कहीं भी जा रहे हो, बस में जा रहे हो तो भी दे सकते हो, मतलब आपको कोई इसे बाध्यता नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे आप किसी भी जो जिस कंपनी में आप हो, ऑफलाइन लेना ऑफलाइन ले लो और ऑनलाइन लेना था आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम से पहले इतना लोड नहीं लेना है, और मैं ये कहूँ सिलेबस होने के बाद आप रोज एक पेपर निकालो, रोज एक पेपर, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 3 घंटे में, 3 4 घंटे में आपका, जैसे आप ऐसे मानो कि मेरी मेरी हो रही है तैयारी, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आप क्वेश्चन देता जाए, पेपर सोल्व करते जाए, और जैसे अधीनस्थ बोर्ड जो पिछली भर्ती में जो पेपर कराए उनकी भी मार्केट में बुक आती है क्वेश्चनों की, तो वह पहले सोल्व करें, उसके बाद जो मॉडल पेपर आते हैं उनको करें सोल्व आप, ताकि उसमें आपको पता चला गया कि मेरा वीक पॉइंट किस सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन में हो रहा है, तो आप उस पर ज्यादा अपनी जो मेहनत है उस पर आप ज्यादा जो अपना इफर्ट है वो आप इस पर लगा सकेंगे, और वह आपका सब्जेक्ट ताकि एग्जाम में वो अपने जो क्वेश्चन है वो होने से बच जाए, है ना, गलत होने से बच जाए, और आपको जो एग्जाम में सफलता मिल सके। निश्चित रूप से देखिए, इसमें जो है 75-75 के दो पोर्शन आएंगे हिंदी इंग्लिश वाले, और 100 अंक हैं उनके, और नेगेटिव मार्किंग, निश्चित रूप से आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। तो प्रश्न पत्र अटेंड करते वक्त हमें बहुत ध्यान से प्रश्न पत्र अटेंड करना है, ताकि कम से कम हम गलत कर पाए, क्योंकि इनकी मेरिट आजकल जो है देखने में आ रहा है वैकेंसी की ज्यादा नहीं जा रही है। जब 40% ही नहीं बन पा रहे तो मेरिट जाएगी कहाँ से? तो निश्चित रूप से कि हमें नेगेटिव मार्किंग जो है उससे अवॉइड करनी है, ताकि हम जो है उस 40% के क्राइटेरिया को पास कर सके। अब हम जो हमारा मेन मुद्दा है आज का, कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, उसके साथ इन्होंने जो हमें लाभान्वित किया, आप सभी को लाभान्वित किया, क्योंकि ये इस विभाग से हैं, इन्होंने उस वैकेंसी को क्रैक किया है, तो निश्चित रूप से इनकी रणनीति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, और आप जो है इनसे कुछ सीखे भी होंगे कि हमें तैयारी करते वक्त क्या क्या चीजें चाहिए। और बात करते हैं क्या रहेगा, सेफ स्कोर बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए सेफ स्कोर किसका? सीईटी का। सीईटी का सेफ स्कोर इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे अभ्यर्थी तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं, उन प्रारंभ करते वक्त उन्हें पता होना चाहिए कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। जैसे अभी जूनियर अकाउंटेंट में देखने को मिला कि जब तक कट ऑफ नहीं आई थी, जब तक लिस्ट नहीं आई थी 15 गुना वाली, तब तक बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहे कि मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, हालांकि मेरिट उसकी थोड़ी कम थी। ऐसे ही हमने कांस्टेबल के अंदर देखा, जो अभी कोर्ट में चली गई भर्ती, कोर्ट में जो है उस पर स्टे आ गया है, और 15 गुना के नियम के कारण ही ऐसी ऐसी संभावनाएं हुई। तो यहां पर स्कोर की अगर हम बात कर लें कि जो अभ्यर्थी, देखिए इसमें हम सबको पता है 3,500 पद है, उसका 15-45, तो हम देखेंगे कि लगभग लगभग जो है इसमें 50-52 हजार, 52.5 हजार लोग पास होने वाले हैं सारी कैटेगरी को मिलाकर। तो इसका सेफ स्कोर क्या रहना है, जैसे कि हमने अभी कल देखा कि लगभग 1 लाख लोगों ने, लगभग 1 लाख लोगों ने जो है एग्जाम दिया, और उसका कट ऑफ लगभग 157 के आसपास रहा शायद जनरल का, ठीक है। तो इसका जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है अगर हम देखें, तो इसका जो कट ऑफ है, क्योंकि ये 12th लेवल का है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 160, 170, 180 अंक आए हुए हैं, निश्चित रूप से 12th लेवल सीईटी के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी, हमने बहुत सारे सर्वे भी कराए थे, उसके अंदर भी लगभग 160 वाले अभ्यर्थी बहुत सारे हैं। सामान्य व्यक्ति जो तैयारी से जुड़ा हुआ है, पेपर देने गया है, तो उसके 160 अंक आए हैं जहां तक मुझे पता है। तो लगभग इसकी जो सेफ कट ऑफ है वो लगभग 180 प्लस रहने वाली है, मतलब अगर आपके 180 अंक आए हुए हैं तो आंख मीच कर तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। हालांकि देखिए नुकसान कुछ नहीं होगा, अगर आपका आप 160 से हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी का नुकसान यहाँ कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि दोबारा सीईटी होने वाली है। आप सभी को बताया 2024 सीईटी भी आएगी, निश्चित रूप से आएगी, 1 साल वाली इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। पुरानी सीईटी से एलडीसी ली जा रही है, क्योंकि उसके अंदर इस भर्ती को दिया गया था, ये वाली भर्ती पुरानी सीईटी से ही होनी है, नई सीईटी से नहीं होनी है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका ये प्रश्न होगा कि सर हमने सीईटी नहीं दिया था, हम अप्लाई कर सकते हैं? कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नई सीईटी से ही होनी है, ये पुरानी सीईटी से होनी है। नई सीईटी जब होगी तब अगली वैकेंसी में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, पर अगर आपने 12 10+2 दिया है सीईटी और आपके 180 के प्लस के स्कोर पर आप हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, आपके लिए सुनहरा मौका है, उस 52 हजार में आप आने वाले हैं। फिर में इनके कोई विचार है वो भी हम जानना चाहेंगे। तो सर मैं बता दूं आपको कि जैसे सर ने बताया कि 180 प्लस है, तो ये भी बात सही नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन आपको फोरम जिस जिसने सीटी दिया है 12th का, वो
वो सारे के सारे आप फॉर्म भरिए। मान लो कोई ऐसा विद्यार्थी है जो जिसके 160 नंबर हैं, और वो चाहे वो पहले कर ले कि यार मेरा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, इसमें जो जो फॉर्म भरेंगे एलडीसी में, जो इनका ऐसा नहीं कि मैं इसमें आऊंगा नहीं आऊंगा, साउंड इसमें जो भी अपना इसमें रहेगी 15 गुना जो भी लिस्ट है, इसमें आऊंगा नहीं आऊंगा उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आपने 12th का दिया है, वैसे भी आजकल फीस नहीं लगती है, आपको फॉर्म भरना है, और जो जो फॉर्म भरेंगे विद्यार्थी उनमें से 15 गुना छाटे जाएंगे। तो ऐसा ये नहीं भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, केवल आपने सीटी दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब इसमें आवेदन मांगे जाएं, आप चाहे 140 वाले ही हो चाहे 120 वाले ही हो, आपको फॉर्म जरूर लगाना है। कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं होता है, मैं बता दूं आपको, ये हमारे द्वारा बताई जा रही है कि 180 प्लस, तो ये 180 जिसके आ गए उसको तो चिंता लेने की आवश्यकता है ही नहीं, कि उसको तो पता है कि मेरा जो है मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा 15 गुना के अंदर। और उससे नीचे वाले जो 165 वाले हैं, 170 वाले हैं, 150 वाले हैं, 140 वाले हैं, फॉर्म उनको भी अप्लाई करना है। जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट में देखा, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया सेकंड वाले पोर्शन को देख के, कि अपन ने कब अकाउंटेंसी पढ़ी, अपने तो कभी जीवन में अकाउंटेंसी पढ़ी ही नहीं। परंतु अगर आप थोड़ा समय देते, आरएसआर भी था उसके अंदर, वो एक्ट भी थे जो बहुत सामान्य है, आप केवल आपको रटना है याद करना है उनको, तो भी आप उसको क्वालिफाई कर सकते थे। पिछली बार 40% नहीं मिले उसके अंदर बहुत सारे लोगों को, तो इसीलिए देखिए उनकी कट ऑफ जो है वो 157 ही रही। बहुत सारे 200, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जिनके 200 अंक हैं परंतु उन्होंने अप्लाई नहीं किया जूनियर अकाउंटेंट में, आप सोचिए। ठीक है, तो वही इसलिए सर, उनकी कट ऑफ नीचे रही। वही यहां पर आपके कितने अंक हो, अगर आपने सीटी दिया है, स्कोर कार्ड आपके पास है, तो आपको अप्लाई करना है, ताकि मेरिट कितनी भी रहे 15 गुना की, आप उसके अंदर आ सके। और तैयारी तो मैं कहूंगा, चाहे आपने सीटी दिया चाहे नहीं दिया, इस सिलेबस की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। किसी भी राजस्थान की वैकेंसी अगर आपको क्रैक करनी है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आप तसल्ली से 4 महीने 3 महीने बैठिए अपने कमरे में, लाइब्रेरी में सिलेबस उठाइए, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक उठाइए, तैयारी प्रारंभ कीजिए। निश्चित रूप से ये नहीं तो और नहीं तो कोई और वैकेंसी में आपको बिल्कुल 70,000 वैकेंसी है हमारे सामने, 70,000 में कहीं ना कहीं आपका एक सिलेक्शन जरूर मिलने वाला है आपको, तो ये मान के चलिएगा। तो ये आज का हमारा छोटा सा सेशन था, जिसमें हमने जो है उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की। अंत में मैं रामकिशोर जी चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं, व्यूवर्स हैं, उनको थोड़ा सा आप और कोई जो आपका अनुभव है उससे मोटिवेट करें, ताकि वो जल्द से जल्द जो है अपनी जो आर्थिक समस्या है, या हम कहें सामाजिक समस्या, नौकरी वाली, सामाजिक भी हो गई आजकल, जब तक नौकरी नहीं है तब तक कोई इज्जत नहीं देता है आपको। आपको जाते ही सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है या आप क्या करते हो, तो हम कहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको पानी भी नहीं पूछेंगे, बोलेंगे बैठो, ठीक है ना, पानी नहीं पूछेंगे। और आपने कह दिया कि मैं जो है फलाना फलाना ऑफिस के अंदर ये इस पद पर कार्यरत हूँ, जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ, आइए बैठिए भाई साहब, बैठिए, चाय पिलाएंगे आपको, नाश्ता करवाएंगे। उनको पता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, और ये मेरे कभी ना कभी काम आ सकता है। तो मैं चाहूंगा रामकिशोर जी को कि वो आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी और बताएं, जिससे कि आप जो है वो आसानी से अपनी समस्या, आर्थिक सामाजिक समस्या से मुक्ति पा सके। जी साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि आपको ऐसा, मतलब मेरे द्वारा ये कहना है आपको कि आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, आपको बस निकालना है। यदि कोई मेरे जैसे साथी हैं, यदि वो कर रहे हैं जीरो से शुरुआत, तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है, उसमें से आपको टिक करना है कि भाई मेरा क्या क्या पोर्शन सही है क्या क्या नहीं है, तो आपको सबसे ज्यादा सही है उसको आप पहले करके रख लें, ताकि ये तो अपना हो गया, और जिसका जो आपका वीक है उसको आप अच्छे से टाइम दें, क्योंकि अभी टाइम है इसका। इसमें अभी फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर होंगे, लगभग इस आपके पास 6 से 8 महीने हैं आपके पास, तो इसलिए आराम से तसल्ली से आप कीजिए तैयारी। और आपको सीईटी का, आपने 12th का दिया है और आपको आपको फॉर्म लगाना है, क्योंकि इसमें कई विद्यार्थी ऐसे होने वाले हैं जिनके 200 प्लस नंबर हैं और वो इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे, तो वो इस जो आपकी भर्ती है उसे बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आप कटो पे चिंता, आपको वो आपका काम नहीं है, वो सरकार देख लेगी। इसलिए आपको फॉर्म लगाना है और अपनी तैयारी शुरू करनी है, ताकि आप इस जो भी है आज की राजस्थान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उससे आप बाहर आ सकें। और मेरी आप सबको यही है कि आप सभी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए ज्यादा, और आपके जो भी आपके टीचर हैं, आपके जो भाई बंधु हैं जो सिलेक्टेड हैं या भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए, उनसे राय लीजिए, और आपका अभी से तैयारी में आप लग जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।
सभी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप जो है जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हो, क्योंकि आपके पेपर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत अच्छे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं, आगे भी आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें और हमारे इन साथियों को मोटिवेट करते रहें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उन साथियों का धन्यवाद जो अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ और आगे भी जुड़े रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।